औरत मार्च के हवाले से कोई कमेंट आप करना चाहें कि ये जो अभी एक सिलसिला चलने लगा है पाकिस्तान में, इसकी वजह नारा ये है कि जी औरत को आप नौकरी करने नहीं देते, औरत को पढ़ाई की उस तरह से आज़ादी नहीं है, क्या औरत को अल्लाह ताला ने कोई हक दे कर नहीं भेजा है देखें, दुनिया में? औरत को नौकरी नहीं करने देते, ये तो ग्राउंड रियलिटी के ख़िलाफ़ है। ख़वातीन तो हर शोबे में नौकरियां कर रही हैं और पढ़ने नहीं देते, ये भी पागलों वाले दावे हैं। ख़वातीन, अभी किसी ने बताया कि मैं पेशावर से आ रहा था कराची, तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि लड़कियों की जो रेशो है ना, वो तालीम में लड़कों से कई गुना आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान में। बल्कि वो तो फ़िक्र कर रहे थे कि पीएचडी स्कॉलर ज़्यादातर ख़वातीन हैं, वो कि मर्दों का होगा क्या, वो तो इस पे सर पकड़ के बैठे हुए थे। जी तो मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन की फुल आज़ादी है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि कोई अपनी बेटी को पढ़ाना चाहे और कोई पुलिस उसको रोके या कोई मौलाना साहब उसको उसके ख़िलाफ़ जुम्मे में तकरीर करें। तो फुल हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो इनको पता नहीं किससे डर रहे कि कौन रोक रहा है। जी तो ना कोई एजुकेशन से रोक रहा है ख़वातीन को सही है। और ना कोई जॉब करने से रोक रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस्लाम ये कहता है कि औरत की असल जिम्मेदारी जॉब नहीं है, वह करना फी बुयूती कुन्ना। जिन मुल्कों में औरत की जॉब और औरत को कमाने के जो तहरीकें चली हैं, उन मुल्कों में का फैमिली सिस्टम तबाह हुआ है। फिलिपाइन में आप देख लेना, दुबई में आप जाएं, फिलिपिनी लड़कियां आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, उनके मर्द घर में बैठे हुए अपाहज बन के और अपनी बीवियों की कमाई खा रहे हैं। तो कल हमारा, अभी हम देख रहे हैं कि लड़के जब रिश्ते की बात करते हैं तो उनको ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब कर रही हो। तो जब औरत के मुंह की कमाई मर्दों को लगना एक दफ़ा शुरू हो गई, तो ये बिल्कुल अपाहज बन जाएंगे। अब तक हमारा मुआशरा एक बहुत अच्छा मुआशरा था कि मर्द कमा रहा है, औरत घर बैठ के खाती है। तो ये औरत के लिए ज़्यादा, आप किसी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डालें ये ज़्यादा है, या आप उसको कहें कि तुम अपने ज़िम्मेदार खुद हो। नहीं, उनका उनका एक नारा ये भी है कि एक ज़मीर की बात होती है, हम नहीं खाना चाहते मर्द, हम खुद अपने, हमारे हाथ हैं, पांव सलामत हैं, हम खुद कमाना चाहते हैं। आप खुद नहीं खाना चाहते तो ठीक है, देखें शरीयत जो है ना इनफरादी उसको नहीं देखती, इनफरादी फ़ायदे को। शरीयत हमेशा इज्तिमाई फ़ायदे को देखती। चार औरतें अगर कहती हैं हम नहीं कमाना चाहते, हम खुद खाएंगे, तो उन चार का जो असर पड़ रहा है वो 4,000 औरतों पे पड़ रहा है। जो नहीं खुद कमाना चाहती, वो चाहती हमारे शौहर हमें खिलाएं, उनका क्या बनेगा? जब वो शौहर देखेगा यार फलां की बीवी भी कमा के अपने मियाँ को भी खिला रही है, खुद भी खा रही है, अपने बच्चों को भी खिला रही है, तो वो भी तो यही चाहेगा ना, मुझे भी ऐसी औरत चाहिए। बिल्कुल तो चार औरतों की खातिर आप उन 4,000 को या 4 करोड़ को आप दांव पे उनका मुस्तकबिल लगा रहे हैं, ये कहाँ की अकलमंदी है? तो ये जो है ना इज्तिमाई सतह पे इस पे गौर करना चाहिए। सही बाकी रहा ये मसला कि ख़वातीन को ये समझाया जाता है कि मर्दों की कैद से आज़ाद निकलें, जी। आज़ाद हों ताकि खुद कमाएं, लाइफ को एंजॉय करें। तो पहली बात तो ये कि मर्द के लिए कैद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये गलत है। सही घर या शौहर जो है ना, वो औरत को कैद में नहीं रखता, वो हिफाजत में रखता है। कुरान ने वल मुहसनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुहसनात कहते हैं शादीशुदा औरतों को, और ये हिसन से निकला, हिसन किले को कहते हैं। तो मैरिड औरत महफूज होती है मर्द की वजह से, कैद नहीं होती। कैद वो जब होती है जब वो ग़ुलाम होती है इसकी, तो ठीक बीवी शौहर की ग़ुलाम थोड़ी होती है, तो कैद नहीं होती वो महफूज होती है शौहर की वजह से। तो शौहर की वजह से वो महफूज जब भी हो सकती है कि शौहर जब घर बाहर की जिम्मेदारी शौहर की हो और वो जो है वो घरदारी को, घर को फोकस करे वो। क्योंकि अगर आपने मर्द को भी घर से बाहर निकाल दिया, वो तो पहले ही निकला हुआ है, जी औरत को भी घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं ये कहता हूँ जब ये रात के इन दोनों की घर में मुलाकात होगी, तो ये घर कम होटल ज़्यादा होगा। घर तो वो होता है जिसमें कोई रहता भी तो हो ना, रह ही नहीं रहा कोई यहाँ पे, सही बच्चे कौन पालेगा? बच्चों को फिर आप दूसरे यानी इदारों में दाखिल करवाते हैं, तो बच्चे भी घर से बाहर हो गए, वो माँ के पास पालने का टाइम नहीं है, और ना पैदा करने का टाइम है ना पालने का टाइम है। तो वो आपने कहीं इदारे में दाखिल करवा दिए, बच्चों के दो इदारे खुले हुए हैं, और बच्चों से आपकी हफ्ते में एक दफ़ा ये होने, यानी फ्यूचर में यही होगा, जी तो रात को मियाँ साहब भी घर आ रहे हैं, बेगम का भी घर आ रही है, तो फिर ये घर वर की ज़रूरत क्या है बहरिया टाउन में घर बनाने की? ठीक है, नहीं तो वहाँ कोई होटल किराए पर ले लें, वहाँ मुलाकात कर लिया करें। तो घर तो इंसान की नेचर है ना, तो घर की जी डेफिनेशन क्या है? यह है कि कोई घर में रहने वाला हो और घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई बाहर जाता हो, तो ये नेचुरल लाइफ है जो हमेशा से चली आ रही है। इसमें औरतों पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरतें इसमें ज़्यादा महफूज हैं। तो वो कमाना शुरू करेंगी मर्द की दस्तरस से। देखो मर्द से अगर वो आज़ाद होकर उनको मर्द की ज़रूरत ही ना रहे, फिर तो ठीक है, यानी किसी औरत को अब मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर तो ठीक है, वो सारी ज़िंदगी आज़ाद गुजारें। लेकिन आप ये मानते हैं कि फिज़िकली भी औरत को मर्द की ज़रूरत है, जो मेंटली भी औरत को मर्द की ज़रूरत है,
तो फिर जब भी आपको किसी की ज़रूरत होती है तो आप जो है ना कुछ उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और कुछ उससे ज़रूरतें हासिल करते हैं। ठीक। तो मर्द औरत को जब ही अपना अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार करता है, जब मर्द को ये एहसास हो कि ये सिर्फ मेरी है, औरत को ये हो कि मैं इससे वफा इसलिए करूँगी कि इसने पूरे खर्चों की जिम्मेदारी खुद उठाई हुई है, मुझे खर्चों की फ़िक्र से आज़ाद किया है, और मर्द ये कहेगा कि यार ये मेरे घर की जीनत है, मैं मुतमईन हूँ कि ये मुझे छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं, और मेरी मर्ज़ी के बगैर ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह ने पैदा किए। अगर आप दोनों को आज़ाद कर दोगे फिर इनका जो कनेक्शन है ना आपस में वो सिर्फ निकाह नामे की हद तक कागजी रह जाएगा, वो नेचुरल नहीं रहेगा जब दोनों की ज़रूरत नहीं है। और देखें ना तलाक का रेशो उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा है जहाँ लड़कियाँ भी कमाती हैं, सऊदी अरब की मिसाल आपके सामने है, वहाँ बे इंतहा तलाक़ें हैं। वजह क्या है कि ख़वातीन भी कमा रही हैं, तो जब वो उनको मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, वो कमा रही हैं इतना, तो बात बात पे मियाँ भी छोड़ देता है उनको, उसको दफ्तरों में दूसरी मिल जाती हैं फ़ौरन, और औरत को जो है वो उसको मर्द की वैसी ज़रूरत नहीं है। तो नतीजा क्या होगा, बच्चों के रुलने बच्चे तबाह होंगे, और जो एक अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम बनाया कि लितस्कुनू इलैहा, जोड़े जोड़ों की शक्ल में हमने पैदा किया, वो सारा निज़ाम तिलपट हो जाता है। तो सिर्फ दौलत ही नहीं है, हमें एक नेचुरल लाइफ जो है वो गुजारनी है, जो हमें इस्लाम ने बताया। इसलिए इस्लाम इसको कतन पसंद नहीं करता कि औरतों में बाकायदा जॉब की तहरीक चलाई, किसी ज़रूरत की बेस पर कोई औरत जॉब कर रही हो एक अलग बात है, ये कोई पसंदीदा काम नहीं है। सही। इस सिलसिले के आखिरी सवाल वो ये कि आप थोड़ा सा मर्दों को, वो मर्द जो अपनी कमाई का फिर रोब भी जमाते हैं ख्वातीन पे, वो फिर ख्वातीन ऐसा भी, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं कि फिर वो इसको बुनियाद बनाकर वो हक़ समझते हैं अपना कि तुम सारा दिन घर में तुम करती क्या हो। जो मर्द कमाई का रोब जमा के औरत को ग़ुलाम बना के रखते हैं, तो उन मर्दों के बारे में तहरीक चलनी चाहिए बिल्कुल, कि भई ये औरत का राइट है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खाते हो उसको खिलाओ, जो पहनते हो उसको पहनाओ, वो ग़ुलाम नहीं है, वो आज़ाद औरत है, वो बांधी नहीं है, आपके पाँव की जूती नहीं है। तो ये तो हमेशा से होता रहा ना। देखिए आप कंपनी में एक मैनेजर या कंपनी का ओनर है, वो मुलाज़मीन को खिला रहा है जी, तनख्वाह देता है, वो सारे मुलाज़मीन उसके मोहताज होते हैं ना, ये नेचुरल एक सिस्टम है, हमेशा से चलता है। एक आदमी सेठ होता है बाकी उसके मुलाज़िम, आप मुलाज़मीन को बागी बना रहे हो कि आप खुद कमाओ खुद खाओ, फैक्ट्री तो गई ना तेल लेने के लिए, फिर वो तो बंद हो जाएगी। और जितने भी दुनिया में मुलाज़मीन हैं आपने सब में एक तहरीक चला दी कि जी ये जितने लोग हैं ये अपने सेठों की दस्तर से बाहर निकलें, नहीं निकल सकते वो। तो नतीजा ये निकलेगा कि वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, और तो उस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए कहा जाता है भाई जो यानी ऊपर के लोग हैं वो अपने मातहतों की रियायत करें, वो उनका हुस्न, जैसे इस्लाम ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा दिया कि अल्लाह ने औरतों को तुम्हारे ताबे बनाया, मातहत बनाया, तो जो खाते हो उनको खिलाओ। तो और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तुम इनसे मुतालबा किस चीज़ का कर सकते हो कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर किसी को घर में ना आने दें, तुम्हारी परमिशन के बगैर घर से बाहर ना निकलें। ये दो तीन आपने मोटे मोटे हुकूक बयान किए, इससे ज़्यादा मुतालबा नहीं किया जा सकता औरत से भी। तो ये हुकूक बयान करने चाहिए क्योंकि जुल्म तो दुनिया में हर जगह हो रहा है, तो उस जुल्म में जालिम को समझाया जाता है कि आप गलत कर रहे हो, ये नहीं कि सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। असल में इनको जी किसी एक मर्द की उससे निकाल कर कैद से बीसियों मर्दों की कैद में दफ्तर में जाके बिठाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा नहीं होता है कि खुद औरत को उठा के बॉस बना दिया जाए किसी फैक्ट्री का, किसी दफ्तर का, ऐसा नहीं करते। वहाँ जाके या चपरासी वाला काम कर रही होगी, या रिसेप्शन पर बैठी होगी, या लोगों के दिल बहलाने के काम कर रही होगी। तो ये असल में वहाँ से निकलेगी, जब अपने घर से निकलेगी तो कितने मर्दों को सामना करेगी और कितने मर्दों का दिल बहलाएगी, इसको सोचकर औरत को। मैं आपको बताऊं, इस हफ्ते एक लड़की का फ़ोन आया, रो रही थी बिलक बिलक के, फिर अपने बच्चे के साथ मुझसे मिलने के लिए आई। तलाक़ याफ्ता खातून थी, जॉब कर रही थी, उसके बॉस ने उसका रेप किया है, बॉस ने उसका रेप किया है। कह रही मैं मोहताज थी, मैं क्या करती, कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, कोई मुझे घर बिठा के खिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो नतीजतन मैंने जॉब की है और मेरे बॉस ने मेरे साथ जबरी जिना किया है, और मैं किस अपनी पुकार, क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं, कोई एफआईआर कटवाए। तो ऐसी दर्जनों लड़कियां हैं बिल्कुल। तो आप ये क्या आपने आज़ाद कर दिया औरत को, यानी ये क्या मतलब उसको आज़ाद, इसका असल हल तो ये था कि भाई इसको घर में रखे कोई और कोई इज्जतदार आदमी इससे निकाह करे। निकाह को तो ये लोग मानते नहीं है ना, उसको तो मर्द की कैद कह दिया बिल्कुल, कि वो कैद है, जो नेचुरल एक निज़ाम हमेशा से चला आ रहा है उसको कह दिया औरत मर्द की कैद में है। और ये जिस निकाह के कायल है ना, वो निकाह सिर्फ कागज़ का निकाह है, ठीक है ना, उसमें आपस का कोई रिश्ता नहीं है, वो भी आज़ाद है, वो भी आज़ाद है, जब चाहे ये तलाक दे दे, जब चाहे वो तलाक दे दे, दोनों के एक दूसरे पे कोई हुकूक नहीं है। वो जैसे यूरोप में होता है, औरत अपना कमा रही है, मर्द अपना कमा रहा है,
तो फिर क्या रह किया गया है?